कोई भी रिश्ता हो दुनिया में, ये सोचना होगा हर आदमी को कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में इंडिविजुअल आया है। बिल्कुल। वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी चॉइस रहेगी, उसको रिस्पेक्ट करना सीखो, उसको आदर देना सीखो। जब आप उसको सम्मान दोगे तो बातें भी होंगी आपस में। आजकल देखो जहाँ बातें बिगड़ रही हैं वहाँ एक बड़ा कारण ये भी है कि लोग बैठ के बात नहीं करते। अगर हस्बैंड काम से आया है, वाइफ काम से आई है, वो अपने फ़ोन में लगी है, वो अपने फ़ोन में लगा है, बच्चे अपने फ़ोन में लगे हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में, घर में भी व्यस्त हैं, घर में भी बिजी हैं, कोई बैठ कर के अपने जीवन के बारे में, अपनी कमियों अपनी अच्छाइयों के बारे में बात नहीं करता, फिर उसका समाधान भी नहीं निकलता। सोल्यूशन तो तभी निकलेगा ना, पहले आप प्रॉब्लम पे बात करो, डायरेक्ट सोल्यूशन की ढूंढते हो, पहले प्रॉब्लम पे बात की जाए घर में, क्या परेशानी है, फिर उसका समाधान ढूंढो। तो बातें मतलब कम्युनिकेशन एक वे है कि आप किसी भी तरीके से थोड़ा रिश्ते को बचा सकते हो। और मुझे लगता है जब आप ठान लेते हैं ना कि आपको ये रिश्ता बचाना है तो रास्ते बहुत मिल जाते हैं।